हेलो गाइस, आज का स्टडी में शुरू करते हैं। पिछले स्टडी में आप लोग को बताए थे मेरे परिवार के बारे में, कविता है याद करने के लिए बोले थे, आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे। कुछ होमवर्क दिए थे, चलिए आप लोग को मिला देते हैं। दिया है कविता में से कुछ शब्द छाँट के लिखना है, जैसे उ की मात्रा वाले शब्द, तो जैसे दीर्घकार की मात्रा वाले शब्द, जैसे राजू है, बावजूद है, पूरा है। उसके बाद सेकंड नंबर में अनुस्वार वाले शब्द हैं, तो सुंदर है, बंदर है, बातें हैं। आय की मात्रा वाले शब्द तो भैया, शैतान। संयुक्त व्यंजन यानी कि आधा जो शब्द होते हैं, आधा अक्षर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो प्यार है, ध्यान है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो ख नंबर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है समान, एक जैसा अर्थ वाले, जैसे पिता है तो पिता को पापा, यानी कि पिता का मतलब और पापा का मतलब दोनों एक ही होता है, इस प्रकार समानार्थी कहते हैं, समान अर्थ वाले, एक ही जैसा हो दोनों। घर है तो गृह हो जाएगा, घर और गृह एक ही है। माता का माँ, दफ्तर को कार्यालय भी कहते हैं, कार्य का काम कहते हैं, और प्यार का प्रेम कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर में नीचे आपका दिया है, पेज नंबर 21 पर ही लास्ट में दिया है कि इनको बताना है कि क्या कहते हैं। जैसे पापा की बहन को क्या कहते हैं, तो बुआ जी। पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं, माँ की बहन को मौसी जी, और माँ के भाई को मामा जी। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 4 जो है समाप्त हो गया। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे 5, इसका नाम है बलवान कौन। तो मौखिक प्रश्न दिया हुआ है कि चिड़िया, इसमें एक चिड़िया और हाथी और एक चींटी की कहानी है। कहानी बहुत पुरानी है, आप लोग पढ़े होंगे, समझ में आएगा। चलिए, चिड़िया का घोंसला कहाँ पर था, तो पेड़ के ऊपर था। सेकंड नंबर में, पेड़ की डाल पर बैठकर कौन रोने लगा, तो चिड़िया रोने लगी। किसने हाथी को ललकारा, तो चींटी ने हाथी को ललकारा। हर नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया ने हाथी को क्या करने के लिए मना किया, चिड़िया ने हाथी को पेड़ के तने से उसके शरीर रगड़ने से मना किया। इसका मतलब कि एक हाथी था जो मस्ती में होकर एक पेड़ से अपने शरीर को रगड़ रहा था, यानी कि हिला रहा था। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था जिस पे वो अंडे दी थी, और उसको भय था कि कहीं उसका घोंसला गिर ना जाए, अंडा फूट ना जाए, इसलिए वह मना की। सेकेंड नंबर पे आते हैं, जब हाथी ने पेड़ हिलाया तो क्या हुआ, तो चिड़िया के घोंसला गिर गया और अंडे टूट गए। जिसका भय था चिड़िया को, अंत में वही हुआ, उसका घोंसला जो था गिर गया और उसका अंडा जो था टूट गया। नेक्स्ट नंबर में, चींटी ने हाथी को किस प्रकार सबक सिखाया, तो चींटी ने हाथी को सूंड में घुस कर उससे खूब जोर से काटा, बेचारा हाथी दर्द से तड़प उठा, इस प्रकार से चींटी ने उसको सबक सिखाया। तो ये है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करने के बाद फेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो दिया हुआ है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। मायूस है, यहाँ पे दिया हुआ है मायूस, दर्द, बलवान, सबक, और इसके हिसाब से इसमें भरना है। संसार में हर बड़े आकार का प्राणी अपने आप को बलवान समझता है। सेकेंड नंबर में है रिक्त स्थान, चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठ कर रोने लगी, तो क्या, तो मायूस चिड़िया। थ्री नंबर में होगा, चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। फोर नंबर में, हाथी बेचारा दर्द से तड़प उठा, इस प्रकार से इसको फिलअप कर लीजिएगा। भाषा व्यवहार आता है नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट नंबर में, तो निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो जैसे में चींटी दिया हुआ है, तो चींटी के हो जाएगा चींटिया, अंडा है तो अंडे हो जाएगा, लड़की है तो लड़कियाँ हो जाएगा, बच्चा है तो बच्चे हो जाएगा, इस प्रकार से आप इसको बहुवचन बना लीजिएगा। और निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी, जैसे अभिसमानार्थी पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताए हैं, उसी तरह लिखना है। एक अर्थ वाले, जैसे पेड़ को तड़ू भी कहते हैं, अधिक को ज़्यादा कहते हैं, चिड़िया को विहग भी कहते हैं, यानी कि पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही शब्द होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने के साथ इसको होमवर्क पूरा करने के बाद आप लोग मैसेज कीजिएगा, रिसेंड कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं। थैंक्स।